बनारस बदल गया है। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही वहाँ पे जिस तरह से वहाँ के तालाब लोगों का स्वागत करता है और अगल बगल में लोग जिस तरह से कसरत करते हुए कहते हैं कि मोदी के आने के बाद बनारस स्वर्ग हो गया है। आइए दिखाते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया है अपने बनारस के लिए। सर, यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुआ है मोदी जी के आने के बाद? बहुत सारिया, यह नर्क था स्वर्ग बन गया मोदी के जरिए। बनारस रेलवे स्टेशन उतरते ही जिस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, उससे लगता है कि वास्तव में यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। किसी ज़माने पे यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी कि आप यहाँ से निकलने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसे तालाब कह दें या झरना कह दें, बनारस रेलवे स्टेशन का सामने का दृश्य, मनोरम दृश्य वहाँ के लोगों को काफ़ी सुहा रहा है। लोग एक्सरसाइज करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया है। मोदी जी ने काम किया है, इसका अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बनारस रेलवे स्टेशन आज आप देख के एकदम स्वच्छता का प्रतीक बन गया है। साफ सफाई, यहाँ पे जिस तरह से सफाई करने के लिए लोग लगे रहते हैं, उससे लगता है कि हाँ वास्तव में कोई काम हो रहा है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद एक व्यवस्थित तरीके से ऑटो की व्यवस्था है, टैक्सी है, यहाँ आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। स्वच्छता को देख लीजिए, यहाँ के मेंटेनेंस को देख लीजिए, क्या ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन या महाराष्ट्र मुंबई के रेलवे स्टेशन से कम है, या इसके तुलना अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की व्यवस्था से करें तो इससे कम है? बिल्कुल नहीं है। आज से 7-8 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब थी कि आपको इस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए आधे घंटे का समय लगा। रिक्शा वालों की जमावड़ा, ऑटो टैक्सी वाले सब यहीं पे आके हल्ला करते थे, आपसे कहते थे कि जहाँ चलना है वहाँ चलिए। ये रेलवे स्टेशन बाहरी द्वार, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी साफ सफाई, गेस्ट हाउस निश्चित तौर पर यह एक सराहनीय काम है जिसके लिए मोदी को साधुवाद दिया।